गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, ऑनलाइन क्लासेस, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने पहले वीडियो में आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया था। प्रोसेस क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग की, इसके बारे में मैंने बताया था। और मैंने ये कहा था कि जो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया होती है ये लगभग 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3 चरणों में कंप्लीट होती है। तो मैंने एक आपको आरए के रूम में ब्लड क्लॉटिंग बताया था, लेकिन आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत उनके सारे जो स्टेप्स हैं 3, वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप उसमें आता है जिसको हम कह रहे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर, या तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं प्रोथ्रॉम्बिन सक्रियक का निर्माण, या फिर हम कह सकते हैं प्रोथ्रॉम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। ठीक है, दोनों को हम हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो इसको हम कह रहे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब रुधिर ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा होता है, जब रुधिर रुधिर वाहिनियों में या रुधिर वाहिकाओं में बह रहा होता है, उस समय जो रुधिर में पाए जाने वाले ब्लड कोएगुलेटिव फैक्टर्स होते हैं या रुधिर को स्कंदित करने वाले कारक होते हैं, वो सारे के सारे निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ठीक है ना, कैसी अवस्था में होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। लेकिन जब ब्लड वेसल्स को कोई डैमेजिंग होती है या कोई भी रुधिर वाहिनी टूटती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, अथवा रुधिर में पाए जाने वाले जो अवयव हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तब उसमें पाए जाने वाले जो स्कंदन कारक या ब्लड कोएगुलेटिव फैक्टर्स होते हैं वो क्रमवार सक्रिय होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, क्रमवार सक्रिय होना प्रारंभ हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात कॉगुलेशन होना शुरू हो जाता है, ब्लड कॉगुलेशन होना शुरू हो जाता है, रुधिर का स्कंदन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब रुधिर ब्लीड कर रहा होता है, रुधिर का स्राव हो रहा होता है, उस समय जो पट्टी काणु होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, वो वायु के संपर्क में आने पर टूट जाती हैं। किसके संपर्क में आने पर? वायु के संपर्क में आने पर टूट जाती हैं, और इस कारण से इनसे मीन्स पट्टी काणु से तथा क्षतिग्रस्त ऊतक से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित होती है, और उस प्रोटीन को थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन को थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होती है उसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होती है ये ब्लड कोएगुलेटरी फैक्टर नंबर 7 और ब्लड कोएगुलेटरी फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देते हैं। अर्थात थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है? स्कंदन कारक नंबर 7 को और स्कंदन कारक नंबर 10 को सक्रिय कर देती है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी कैल्शियम के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक जटिल बनाते हैं, और उस जटिल को ही हम प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर या प्रोथ्रॉम्बिन सक्रियक कह देते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया था स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर। क्या आपको बताया गया कि जब ब्लड रुधिर वाहिनियों के अंदर बह रहा होता है उस समय उसमें पाए जाने वाले सभी स्कंदन कारक कैसे होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय रूप से विद्यमान होते हैं, लेकिन जब रुधिर वाहिनी को किसी तरह से क्षति होती है या रुधिर में पाए जाने वाले अवयव क्षतिग्रस्त होते हैं, तब जो रुधिर में पाए जाने वाले स्कंदन कारक हैं वो क्रमवार सक्रिय हो जाते हैं और ब्लड कोएगुलेशन या रुधिर के स्कंदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जब रुधिर वाहिनियां टूटेंगी तो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा,
तो रुधिर की स्राव के समय उस समय क्या होगा, जो ब्लड में पाई जाने वाली ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो वायु के संपर्क में आने पर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ विंड या एयर क्या करेंगी, टूट जाएंगी। और जब वो टूटती हैं तो उनसे प्लस क्षतिग्रस्त ऊतक से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्या करती है, फिर ब्लड में पाए जाने वाले स्कंदन कारक नंबर 7, स्कंदन कारक नंबर 10 को एक्टिवेट कर देती है, सक्रिय कर देती है, और तब ये सभी कैल्शियम के साथ मिलकर एक जटिल का निर्माण करते हैं और उस जटिल को कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंने प्रोसेस में बताया था कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ, फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप आता है जिसको हम कह रहे होते हैं प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन का किसमें कन्वर्जन होता है, किसमें परिवर्तन हो जाता है, थ्रोम्बिन में। अब देखिए जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें जो प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है प्रोटीन, वो निष्क्रिय अवस्था में होती है। ठीक है ना, ब्लड के प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है जिसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक के द्वारा किसमें बदल दिया जाता है, सक्रियक थ्रोम्बिन में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये कौन सा स्टेप होता है, सेकंड। थर्ड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। इसको कह रहे होते हैं फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन तथा थक्का का निर्माण। ठीक है ना, अब देखिए इसको भी जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ये कह रहे होते हैं कि जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये रुधिर के प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाई जाती है, इसको थ्रोम्बिन के द्वारा जल अपघटित कर किसमें बदल दिया जाता है, फाइब्रिन एकलक में, फाइब्रिन मोनोमर में। और जो फाइब्रिन एकलक बनता है ये तुरंत ही बहुलीकृत होकर के क्या करता है, लंबे फाइब्रिन तंतु बना लेता है। ठीक है, और जब लंबे लंबे फाइब्रिन तंतु, फाइब्रिन तंतु का मतलब है कि लंबे लंबे वहां पर फाइबर बन जाते हैं, और वो लंबे लंबे जो फाइब्रिन तंतु बनते हैं ये घाव के साथ मिलकर क्या करते हैं, एक जालबद्ध संरचना बना लेते हैं या एक नेटवर्क बना लेते हैं या एक तरह से रेटिकुलर स्टीज बना लेते हैं, एक जालबद्ध संरचना बना लेते हैं। और उस जालबद्ध संरचना में लाल रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं या रुधिर कणिकाएं उसमें क्या होती है, फंस जाती हैं। जब रुधिर कणिकाएं वहां पर फंस जाएंगी तो रुधिर का बाहर आना बंद हो जाएगा, इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि फाइब्रिन तंतु प्लस रुधिर कणिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है, थक्का या क्लॉट का निर्माण करती हैं, क्लॉट को फॉर्मेट करती हैं, क्या बन जाता है वहां पर, थक्का बन जाता है। और वह थक्का धीरे धीरे दृढ़ होना शुरू हो जाता है, दृढ़ का मतलब है रिजिड होना शुरू हो जाता है। और जब वह क्लॉट घाव के ऊपर धीरे धीरे दृढ़ हो जाता है तब उस समय हम ये कह सकते हैं कि रुधिर का स्राव बंद हो जाता है, रुधिर का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तभी फिर क्या होता है कि जो क्लॉट बन जाता है उसके बाद ब्लड का जो तरल भाग होता है वो क्लॉट से अलग हो जाता है या पृथक हो जाता है, और उस तरल भाग को हम एक नाम देते हैं सीरम। क्या नाम दे रहे होते हैं, सीरम कह रहे होते हैं। यह सीरम प्लाज्मा की समान होता है, देखने में बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही लगता है, हल्के पीले रंग का, लेकिन अंतर ये होता है कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है जबकि सीरम में फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होती है। ये संपूर्ण जो स्कंदन की क्रिया होती है इसमें लगभग 6 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है, 6 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का समय लग जाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आप इनको दोबारा फिर एक बार देख सकते हो, नोट मैंने किया हुआ है। पहला मैंने बताया था फॉर्मेशन, क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण या प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण। अब देखिए इसमें मैंने अभी आपको बोला था कि जब रुधिर वाहिनियों के अंदर बहते हुए रुधिर में विभिन्न जो स्कंदक कारक होते हैं या कोगुलेटरी फैक्टर होते हैं, ये कैसे होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं, लेकिन जब रुधिर वाहिनी क्या होती है या रुधिर के अवयव क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तब क्रमवार स्कंदन कारक सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं, सक्रिय, और क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लड कोगुलेशन, स्कंदन होने लगता है। रुधिर स्राव के समय जो पट्टिकाणु होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ये वायु के संपर्क में आने पर टूट जाते हैं और तब इनसे मीन्स पट्टिकाणु से, ठीक है ना, तथा क्षतिग्रस्त जो ऊतक है उससे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम मैंने अभी क्या लिया है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है, साथ में फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्या करता है, रुधिर स्कंदन कारक नंबर 7 और 10 को सक्रिय कर देता है। अब देखिए ये सारे मिलकर के किसके साथ, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम आयन के साथ ये मिलकर के सभी क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसका मतलब क्या है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बना फर्स्ट स्टेप में। आप देखिए सेकंड स्टेप क्या है, ये कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, मीन्स प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जो ब्लड प्लाज्मा है या रुधिर का प्लाज्मा है इसमें ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय निष्क्रिय अवस्था में, कैसी अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, इसको सक्रिय या एक्टिवेट थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसका मतलब है निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन गया, सक्रिय थ्रोम्बिन। किसने बनाया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो कहां पर बनाया, फर्स्ट स्टेप में। अब देखिए थर्ड स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ठीक है ना, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का निर्माण। ये भी देखिए आप बताएंगे कि रुधिर का जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन घुलनशील प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। थ्रोम्बिन जो सेकंड स्टेप में बना है ये इस प्रोटीन का क्या कर देता है, जल अपघटन, और जल अपघटन करने के बाद में क्या बन जाती है, फाइब्रिन एकलक या फाइब्रिन मोनोमर बन जाता है, जो रेशेदार होता है, फाइब्रस होता है और इनसॉल्युबल होता है, एग्लुनशील होता है। फाइब्रिन मोनोमर तुरंत क्या करेगा, बहुलीकृत हो जाएगा और बहुलीकृत होकर ये लंबे फाइब्रिन तंतु बना लेता है। ठीक है, और ये जो लंबे फाइब्रिन तंतु बनते हैं ये फाइब्रिन तंतु किसके साथ मिलकर के, घाव के साथ मिलकर के एक जाल के समान संरचना बना लेते हैं, और ये जो जाल के समान संरचना बनती है इसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं, इसमें से रुधिर कणिकाएं फिर नहीं निकल पाती। ठीक है, इस प्रकार ये फाइब्रिन तंतु से बना हुआ जाल प्लस रुधिर कणिकाएं मिलकर के क्या बना रही होती है, थक्का, और ये थक्का धीरे धीरे ग्रेजुअली रिजिड हो जाता है, दृढ़ हो जाता है और रुधिर स्राव रुक जाता है, अर्थात ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात थक्का से एक तरल पदार्थ, मैंने बताया था अभी क्या होगा, पृथक हो जाएगा और इस तरल पदार्थ को ही हम क्या बोलेंगे, सीरम। सीरम किसके समान होता है, प्लाज्मा के समान ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, सीरम में फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके बाद जो रुधिर स्कंदन की क्रिया है इसमें लगभग 6 से 10 मिनट का समय
लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ब्लड क्लॉटिंग के ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप केवल इसको फ्लो लाइन के द्वारा दिखाना चाहे, फ्लो चार्ट के रूम में दिखाना चाहे, तो भी आसानी से तीनों स्टेप को हम फ्लो चार्ट के रूम में भी दिखा सकते हैं। और फ्लो चार्ट में मैंने पहले आपको बता दिया है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, जिसमें मैंने क्या कहा था कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये कब बनेगा, जब ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी, पट्टी गाड़ों से भी क्या निकलेगा वो क्या नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ऊतक से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, नंबर 7 और नंबर 10 को एक्टिवेट कर देगा संघनन कारक को, कैल्शियम के साथ मिलकर के क्या कर देगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर निष्क्रिय थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में। और ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगी, ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रिनोजन को किसमें चेंज कर देती है, फाइब्रिन में। फाइब्रिन रेशेदार और एग्लोनसील होती है, क्या करती है ये लंबे लंबे फाइबर, घाव के साथ यही क्या करता है जालबद्ध स्ट्रक्चर जिसमें आरबीसी फंस जाती है वही क्या कहला रहा होता है ब्लड क्लॉटिंग। और उस ब्लड क्लॉटिंग से जब तरल पदार्थ अलग हो जाता है तो उसे सीरम कह देते हैं। सीरम किसके समान बताया था मैंने, प्लाज्मा के, लेकिन अंतर क्या होता है कि सीरम में कोई भी प्रोटीन या फाइब्रिनोजन नहीं पाई जाती है, जबकि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ब्लड वेसल्स लेते हैं, रुधिर वाहिनियां। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है, रुधिर वाहिनियां, अर्थात हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रुधिर ब्लीड करता है या रुधिर सर्कुलेट करता है या रुधिर बहता है, उन्हें रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां कह दिया जाता है। ठीक है ना, क्या बताया मैंने, हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रुधिर सर्कुलेट करता है उन्हें क्या बोला जाता है, ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियां या रुधिर वाहिकाएं कह देते हैं। ठीक है, ये देखिए रुधिर वाहिकाएं तीन प्रकार की होती है, एक तो आर्टरीज होती हैं जिनको हम धमनी कहते हैं, दूसरी कैपिलरीज होती हैं जिनको केशिकाएं कहा जाता है, और थर्ड वेन्स होती हैं जिनको शिरा कह रहे होते हैं। ठीक है, अधिकतर जो धमनियां होती हैं वो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में लेके जा रही होती है, शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हार्ट की तरफ लेके आ रही होती है। एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है, केशिकाएं इनको जोड़ने का काम करती हैं जो इनकी शाखाएं होती हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं मेनली तीन टाइप की होती हैं, एक आर्टरीज, दूसरा कैपिलरीज और थर्ड होती है वेन्स। ठीक है, अब देखिए जो धमनी है इनकी पतली शाखाएं क्या कहला रही होती है, आर्टेरियोल्स, उनको कह रहे होते हैं हम धमनिकाएं, और शिराओं की जो पतली शाखाएं होती हैं उनको कहा जा रहा होता है शिरिकाएं। ठीक है ना, अब देखिए जब ब्लड हार्ट से चलता है तो सबसे पहले हार्ट से ब्लड किस में आएगा, धमनी में आएगा, धमनी से किस में जाएगा, धमनिका में जाएगा, धमनिका से किस में जाएगा, केशिका में जाएगा, केशिकाओं से किस में जाएगा, शिरिकाओं में जाएगा, और शिरिकाओं से किस में जाएगा, शिराओं में, और शिराएं उस रुधिर को वापस कहां पर लेके आ जाएंगी, फिर हार्ट में लेके आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए पूरे टाइम हमारे शरीर में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, इस कारण से ही आपने देखा होगा कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज्ड टाइप, कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब देखिए इसके बाद आगे हम कह रहे होते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनमें धमनी और जो शिरा होती हैं इनकी जो भित्ति है उसमें पाए जाने वाले ऊतकों के तीन स्तर होते हैं, एक होता है जिसे हम कह रहे होते हैं बाह्य कंचुक, दूसरा मध्य कंचुक और तीसरा होता है अंतः कंचुक। बाह्य कंचुक को हम कह रहे होते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, यह सबसे बाहरी स्तर होता है संयोजी ऊतक के द्वारा बना होता है, और इसमें
कॉलेजन फाइबर होते हैं जो अप्रत्यास्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रत्यास्थ, उनमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती, अर्थात लचीलापन उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो स्तर होता है उसको मध्य कंचु कह रहे होते हैं, या इसको ट्यूनिका मीडिया कहा जा रहा होता है। यह मध्य का स्तर होता है तथा इसमें आरेखित पेशियों से एक वर्तुलाकार स्तर बन जाता है, सर्कुलर लेयर बन जाती है, और इसमें कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं या प्रत्यास्थ लचीले तंतु पाए जाते हैं। तीसरा जो स्तर होता है उसको कह रहे होते हैं आंतरिक स्तर या आंतरिक कंचुक, जिसका नाम होता है ट्यूनिका इंटीमा। यह सबसे अंदर वाला स्तर होता है, यह शल्की उपकला कोशिकाओं से बना होता है तथा इसे अंतः उपकला एंडोथीलियम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एंडोथीलियम भी कह देते हैं। और यह स्तर एकदम से ग्लास की तरह चिकना स्मूथ होता है, जैसे कांच की सतह होती है ना चिकनी, वैसे ही इस स्तर की सतह भी कैसी होती है? एकदम से चिकनी होती है। ठीक है ना, तो ये तीनों जो स्तर हैं ये ऊतकी स्तर कहलाते हैं। किसमें? शिरा और धमनी में। अब इसके बाद हम भाग नाम लेते हैं आगे धमनी और धमनिकाओं का। धमनी किसे कहा जाता है? बे नलिका का संरचना है जो रुधिर को हृदय से दूर लेके जाती है। कहां पर लेके जाती है? रुधिर को हृदय से दूर लेकर जा रही होती है, अर्थात हम कह सकते हैं हार्ट से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने वाली नलिकाओं को हम क्या कह रहे होते हैं? धमनी कह रहे होते हैं या धमनियां कह रहे होते हैं, अर्थात दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैनाल्स या बेसिन्स। ये रुधिर को वितरण करने वाली नलिकाएं या वाहिनियां होती हैं। ठीक है, इनका जो मध्य कंचुक होता है काफी मोटा होता है। मध्य कंचुक जब मोटा होगा तो इनका जो इंटरनल डायमीटर है, आंतरिक व्यास है, वो क्या होगा? कम होगा। इनमें जो रुधिर है वो तेजी से बहता है, अधिक दाब पर बहता है। ठीक है, और साथ में धमनियों में कपाट या बाल्ब नहीं पाए जाते, लेकिन जो महाधमनी होती है जिसको ग्रीवा दैहिक चाप कहते हैं, और जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, इनके आरंभिक भाग में अर्ध चंद्राकार सेमी लूनर कपाट या बाल्ब पाए जाते हैं। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है और क्या करती है? शुद्ध रुधिर को या प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ठीक है, दूसरा जो पल्मोनरी आर्टरी होती है या पल्मोनरी आर्च होती है, ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट से कहां पर लेके जा रही होती है? लंग्स में। किसके लिए? प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आगे हम ये कह रहे होते हैं जो धमनी होती है इनकी शाखाएं धमनिकाएं कहलाती हैं। धमनिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम टिश्यूज की बनी होती है। धमनिकाएं तथा केशिकाएं जहां पर जुड़ती हैं वहां पर बर्तुल पेशी अवरोधनी या स्फिंक्टर पाए जाते हैं। बे केशिका जाल में रुधिर के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आती हैं कैपिलरीज, जिनको हम कह रहे होते हैं केशिकाएं। ये सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं। इनका जो डायमीटर है 4 से 10 माइक्रोन एम होता है, माइक्रोमीटर कह सकते हो, तथा केशिका की जो लंबाई है वो 0.3 mm से अधिक नहीं होती। ये इतनी अधिक पतली होती हैं कि जो आरबीसी हैं वो इनमें मुड़कर के गुजर पाती हैं, मुड़कर के पास आउट हो पाती हैं। ठीक है, साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि इनकी जो भित्ति है वो केवल और केवल अंतः उपकला से बनी होती है। इनकी भित्ति वाटर प्लस जो सॉल्युबल पदार्थ होते हैं या मटेरियल होते हैं उनके प्रति परमिएबल होती है, पारगम्य होती है, और इनमें जो रुधिर बहता है वो बहुत धीमी गति पर बहता है। ठीक है, इसके पश्चात हम ये कह रहे होते हैं कि जो ये केशिकाएं होती हैं ये रुधिर
एवं कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के विनिमय में सहायक होती हैं। रुधिर और कोशिकाओं के मध्य जो पदार्थों की अदला बदली होती है वो किसके माध्यम से होती है? केशिकाओं के या कैपिलरीज के माध्यम से होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप इनको देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था ब्लड वेसल्स में जिन नलिकाकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें रुधिर वाहिनियां कह देते हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की, अभी मैंने बताई थी तीन प्रकार की, से फॉर एग्जाम्पल आर्टरी, धमनी, कैपिलरी केशिकाएं, शिरा वेन्स, ठीक है। साथ में मैंने बताया था जो पतली धमनियों को धमनिकाएं या धमनियों की शाखाओं को आर्टेरियोल्स कहा जाता है, तथा इसी प्रकार से सिराओं की शाखाओं को सिरिकाएं या विनियूज कहा जाता है। हार्ट से रुधिर का जो प्रवाह है, सर्कुलेशन है, ये पहले आर्टरी, फिर आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर विनियूज, और फिर कहां पर होता है, सिराओं में, और सिराओं में होते हुए यह रुधिर उन्हें कहां पर वापस आ जाता है, हार्ट में वापस आ जाता है। किसमें वापस लाया जाता है, हार्ट में, ठीक है। इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे अंदर जो ब्लड है वो पूरी तरह से बंद नलिकाओं में ही बहता है, ठीक है। इसके बाद जो धमनी होती हैं और शिराएं होती हैं, इनकी जो भित्तियां हैं उनमें ऊतकों के तीन स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, यह सबसे बाहरी स्तर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, जो किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसमें मुख्यतः कॉलेजन फाइबर होते हैं, जो कैसे होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं या अप्रत्यास्थ होते हैं, ठीक है। इसके बाद में टीम का मीडिया, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, मध्य कंचुक। मध्य कंचुक में अगर आप देखेंगे तो यह मध्य का स्तर होता है, अर्थात इट इज मिडिल लेयर, और इसमें जो आरेखित पेशियां होती हैं, नॉन स्ट्रिक्ट मसल्स होती हैं, दे आर अरेंज इन सर्कुलर स्टेज, इसलिए हम कह रहे होते हैं ये वर्तुलाकार रूप में अरेंज हो जाती हैं। इनमें केवल कुछ फ्यू इलास्टिक फाइबर्स ही पाए जाते हैं, अर्थात कुछ ही लचीले तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थ तंतु का मतलब है इलास्टिक फाइबर, लचीले तंतु। इसके बाद में लास्ट ट्यून का इंडिमा होता है, यह इनर मोस्ट लेयर होती है, आंतरिक स्तर होता है, जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बना होता है, जिनको हम सेल की उपकला कोशिकाएं कह देते हैं। इसे एंडोथेलियल सेल या उपकला भी कहा जाता है, लेयर भी कहा जाता है। इसकी जो सतह होती है वो ग्लास या कांच के समान चिकनी स्मूथ दिखाई देती है, ठीक है। इसके पश्चात हम सबसे पहले इसमें धमनी लेते हैं, और धमनी के बाद धमनी की पतली शाखाएं धमनिकाएं कहलाती हैं। ये यहां पर धमनी और ये क्या है, धमनिकाएं। मैंने आपको बताया था रुधिर को हार्ट से दूर, हृदय से दूर ले जाने वाली जो वाहिकाएं या नलिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं या धमनी कह देते हैं। हार्ट से दूर ले जा रही है शरीर में, इसका मतलब है ब्लड को क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए हम इनको वितरण वाहिनी भी कह सकते हैं। इनका जो मध्य कंचुक होता है या जो इसमें कौन सा होता है, ट्यून का मीडिया, ये बहुत अधिक मोटा होता है, इस कारण से जो इंटरनल डायमीटर होता है इनका वो सिराओं से या वेन से कम होता है, ठीक है। इसमें रुधिर का जो प्रवाह है, सर्कुलेशन है, ये बड़ी तेजी से होता है और हायर प्रेशर पर होता है, अधिक दाब पर होता है। इनमें बाल्व नहीं पाए जाते, कपाट नहीं पाए जाते हैं, बाल्व नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है जो महाधमनी होती है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, ग्रीवादायक चाप, एवं जो फुफ्फुसीय धमनी होती है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, इनके आरंभिक भाग में सेमी न्यूलर बाल्व लगे होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। सबसे बड़ी जो धमनी होती है हमारे शरीर में उसको हम महाधमनी कहते हैं, या इसको आप चाहो तो ग्रीवादायक चाप कह सकते हो, जो प्योरीफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है।
ठीक है। इसके पश्चात जो यहां पर पल्मोनरी आर्टरी है, यह इम्प्योर ब्लड को कहां लेके जाती है, लंग्स में। किसके लिए लेके जाती है, प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। धमनियों की पतली जो शाखाएं होती हैं उनको धमनिकाएं कहा जाता है, जिनकी भित्तियों में केवल अंतः उपकला होती है। धमनिकाओं और जो केशिकाएं होती हैं इनके जो संधि स्तर होते हैं वहां पर वर्तुलाकार पेशी स्फिंक्टर पाए जाते हैं, जो केशिका जाल में क्या करते हैं, रुधिर प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। साथ में होती है केशिकाएं या कैपिलरीज, ये सबसे पतली होती हैं, इनर मोस्ट, और कैसी हैं, सबसे पतली, जिनका व्यास 4 से 10 माइक्रोन एम होता है। इनकी लंबाई 0.3 एमएम से अधिक नहीं होती। ये इतनी अधिक पतली होती हैं कि रक्ताणु भी इनमें मुड़कर गुजर पाते हैं। ये परस्पर मिलकर के एक बड़ा जाल बना देती हैं, नेट बना देती हैं, रेडिकुलर स्ट्रक्चर बना देती हैं। इसकी भित्ति केवल अंतः उपकला से बनी होती है। इनकी भित्ति जल और घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य या परमेबल होती है। इनमें रुधिर धीमी गति से बहता है। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य जो पदार्थों का आदान प्रदान है वो किसकी सहायता से होता है, केशिकाओं की सहायता से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन लेते हैं वेंस एंड वेन्यूज, सिरा एवं सिरिकाएं, ठीक है। ये जो सिरा एवं सिरिकाएं होती हैं ये क्या करते हैं, सिराएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको हार्ट की तरफ लेके आती है, ठीक है। इसलिए अगर हम चाहें तो इनको संग्रहकारी नलिकाएं, कलेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हैं, ठीक। जैसे यहां पर लिखा है कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को किधर लेके आ रही है, हार्ट की ओर लेके आ रही होती है, ठीक है। हार्ट की ओर लेके आने वाली वाहिकाओं को ही हम क्या कह रहे होते हैं, वेन्स कह देते हैं या सिराएं कह देते हैं, क्योंकि ये शरीर के विभिन्न भागों से कलेक्ट करके लेके आ रही होती हैं, इसलिए इनको हम चाहें तो कलेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि केशिकाओं से जो रुधिर है ये सिरा की कौन सी शाखाओं में जाता है, पतली शाखाओं में, और इन पतली शाखाओं को हम कह रहे होते हैं विन्यूज, सिरिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। जैसे धमनी की पतली शाखाएं धमनिकाएं होती हैं, वैसे ही सिराओं की जो पतली शाखाएं होती हैं वो सिरिकाएं होती हैं, जिनको विन्यूज कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जो सिरिका की भित्ति होती है या विन्यूज की भित्ति होती है, इसमें कॉलेजन तंतुओं की पतली परत पाई जाती है। इस कारण से इनकी जो भित्ति होती है वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब क्या होता है, दृढ़ हो जाती है और ये नॉन इलास्टिक हो जाती है, अप्रत्यास्थ हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए हम कह रहे होते हैं कि जो विन्यूज होती है सिरिकाओं से जो रुधिर है ये फिर किसमें आता है, सिराओं में आ जाता है, वेन्स में आ जाता है। और वेन्स में जब आएगा तो हम वेन्स को देखेंगे, फिर वेन्स का जो मध्य कंचुक है वो कैसा होता है, पतला होता है। धमनी में कैसा बताया था, मोटा, इसीलिए धमनी का व्यास कम था। यहां पर आप कैसा बता रहे हो, मध्य कंचुक पतला है, पतला होगा तो इनका व्यास क्या होगा, ज्यादा होगा। इनमें बहुत कम पेशीय और प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, इस कारण से इसमें लचीलापन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए कैसी होती है, ये कम लचीली होती है। इनका जो आंतरिक व्यास है वो धमनी से कैसा होगा, अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसमें जो ट्यूनिका मीडिया है वो पतला है, पतला है तो डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम ये कह रहे होते हैं जो लंबी सिरिकाएं होती है, सिराएं होती हैं, तथा निचले भागों में पूरी लंबाई में जहां पड़ी होती हैं वहां जगह जगह इनमें कपाट पाए जाते हैं। धमनियों में सामान्य रूप से कपाट नहीं होते, वो केवल एक्सेप्शन है। इनमें कपाट पाए जाते हैं और ये कपाट क्या करते हैं, रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, ठीक है ना। इनमें रुधिर प्रभाव कैसा होगा, धीमा, भाई शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को कलेक्ट करके ला रही है
तो जो वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, वो थोड़ा प्रेशर बढ़ाने के लिए होते हैं और ब्लड को वापस नहीं जाने देते। दाब भी कैसा होगा, कम रहेगा। जब ये धमनी में दाब अधिक होता है, ब्लड तेजी से बहता है, इनमें दाब कम होता है, ब्लड धीमे बहता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी जो सिराएं होती हैं उनको हम कह रहे होते हैं या तो सुपीरियर वेना कैवा, जिसको हम ऊर्ध एवं निम्न वेना कैवा, जो पोस्टीरियर वेना कैवा होती है ये सबसे बड़ी होती है। ऊर्ध का मतलब होता है बड़ी ऊपर से अग्र, एक ऊर्ध अग्र महाशिरा, निम्न का मतलब होता है पश्च महाशिरा। ये शरीर के पश्च भागों से और ये शरीर के अग्र भागों से रुद्रकूल आती है। कैसा रुद्र होता है, इम्प्योर, जिसे कहां पर डाला जाता है, हार्ट में। ठीक है, और इसी प्रकार से जो लंग्स होते हैं वहां से पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं और वे पल्मोनरी वेन्स प्योरिफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेके आती हैं, हार्ट में लेकर आ रही होती हैं। ठीक है, ओके।